कीजिए टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन जॉइनफिल्म्स यूट्यूब चैनल की हेल्प से। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सीखिए कि कैसे बॉलीवुड में एंट्री करते हैं जॉइनफिल्म्स यूट्यूब चैनल उनके लिए जिनका कोई गॉडफादर नहीं। मैं जो फिल्म का नाम है लाम्बो रस्तो और गुजराती में मेरे को पहले बहुत स्क्रिप्ट ऑफर्स हुई थी बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं कि नहीं करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत बिजी था। फिर जब ये वाली फिल्म की स्क्रिप्ट आई एंड जो इनके डायरेक्टर है वही राइटर है मीर भूता, वो बहुत ही वेल नोन राइटर है, और उन्होंने जब स्टोरी सुनाई और जो डायलॉग्स जो उनकी राइटिंग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सो गुजराती में यू नो आई फील दिस वाज यू नो लाइक द न्यू थिंग। बहुत कुछ चैलेंजिंग रहा है बिकॉज ये कैरेक्टर मैंने पहले कभी प्ले किया नहीं है ऐसा। दूसरा ये कि ऐसी ऐसी लोकेशंस पे हमने शूट किए हैं विच वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट एंड देर आर सम सीन्स वेयर माय डायरेक्टर वांटेड बेयर बॉडी शॉट्स एंड ऑल, तो वो डाइट और उस चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो गई थी थोड़ी। सी एज एन एक्टर मुझे अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है। मुझे डेली सोप भी करना है, मुझे होस्टिंग भी करना है, मुझे गुजराती फिल्म भी करनी है, मुझे वेब सीरीज़ भी करनी है। सो आई एम ए ग्रीडी एक्टर, तो मुझे जहाँ कुछ अच्छा लगता है कोई भी लैंग्वेज हो कुछ भी हो आई विल गो एंड डू इट। सो यस व्हेन ये जब हुआ ये स्क्रिप्ट का तो आई सेड चलो ठीक है इसी से श्री गणेश करते हैं और देखते हैं आगे क्या है इसमें। सिलेक्टिंग प्रोसेस फर्स्टली कि स्क्रिप्ट पहले तो लोग कैसे हैं, फिर स्क्रिप्ट कैसी है, फिर ये लोग कैसे शूट करने वाले हैं, व्हाट आर दे प्लानिंग, व्हाट इज़ इन द हेड, कभी रिलीज़ करने वाले हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज गुजराती में अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ सो मुझे ऐसा नहीं है कि कोई भी मूवी से कर लूँ कुछ भी कर लूँ। नाउ ऑल्सो व्हेन आई मीट पीपल आई मीट पीपल, अगर कोई जान पहचान वाले हैं अच्छे हैं तो मैं मिलता हूँ, फिर उनकी स्क्रिप्ट अगर अच्छी लगती है फिर आगे बात होती है। देन देर इज़ अ बजट थिंग ऑल्सो, देन कि भाई कौन सी डेट्स चाहिए उनको, कैसे शूट कर रहे हैं। सो इट्स लाइक एवरी थिंग यू हैव टू सी, यू कॉन्ट जस्ट से कि चलो ठीक है करते हैं, बिकॉज इफ़ एक भी चीज़ें गड़बड़ होती है ना सो देन इट फॉल्स इन टू अ रॉन्ग डायरेक्शन। येस इट बिकम्स ईजियर बिकॉज टी वी घर घर में है, टी वी के लोगों को यू नो एक्टर्स को सब जानते हैं। सो एक जो पोटेंशियल होता है वो दिख जाता है, एंड इफ यू नो एनी वन हु इज़ यू नो डूइंग अ फिल्म और इफ दे थिंक दैट यू नो दिस गाय और दिस गर्ल फिट्स माई स्क्रिप्ट, सो इट उनके लिए एक डायरेक्ट वो हो जाता है कि उनको उन्होंने हमको पहले देखा है कि अच्छा ये ऐसा है यार हमें ऐसा कैरेक्टर चाहिए, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है बिकॉज यू गेट अ प्लेटफॉर्म लाइक टी वी टू शोकेस योर टैलेंट। तो जो लोग देख रहे हैं सपोज वो हमें सीधा देख सकते हैं, इफ दे लाइक दे कैन जस्ट यू नो कि हाँ। So I think it's easy. See, TV is really, really a bigger commitment than anything in the world. But TV आपको देता भी बहुत कुछ है। TV आपको एक ऐसी फिल्म देता है जो आप कहीं भी जाओगे लोग आपको जानते ही हैं, क्योंकि मैं इतनी जगह आया हूँ, अमेरिका, लंदन, एंड आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक टू सी दैट पीपल आर कमिंग एंड टेकिंग ऑटोग्राफ्स एंड ऑल। तो मैंने कहा यार कहाँ कहाँ लोग TV देख रहे हैं। थिएटर बहुत डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट एन ईजी मीडियम बिकॉज इतने रिहर्सल्स जाते हैं, शूटिंग में आपको एक टेक, दो टेक, तीन टेक, दस टेक मिल जाते हैं, बट थिएटर में स्टेज पे सिर्फ एक टेक मिलता है। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, यू हैव टू बी यू नो प्रेजेंट देयर, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्योंकि स्टेज पे कुछ भी करोगे ना बिकॉज ऑडियंस आपको देख रही है, मतलब रियल देख रही है, तो उनको आप धोखा नहीं दे सकते। सो यस और आप यू ओपन अप ऑल्सो यू नो एज एन एक्टर आप बहुत खुल भी जाते हो व्हेन यू डू थिएटर। सो या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम एंजॉयिंग आई थिंक एवरी बिट ऑफ इट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।